हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन इंडिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में मैं प्रवीण चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए आने वाली नॉरसेट एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट भी करते जाइएगा। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? बर्मिंघम, इंग्लैंड। और ये कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण। दोस्तों ध्यान में रखना है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ, और यह कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण। और 21वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? गोल्ड कोस्ट, जो कि कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। और अगला जो 23वां संस्करण है 2026 में खेला जाएगा, वो कहाँ पे होगा? वो भी ऑस्ट्रेलिया में होगा, और कौन से शहर में होगा? विक्टोरिया शहर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने 178 पदक जीते हैं, जिनमें से 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा 61। यस, 61 पदक भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जीते हैं। इनमें से कौन कौन से हैं? 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4था। यस, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 4था स्थान, और पहला स्थान किसका रहा है? ऑस्ट्रेलिया का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ खेल 2022 का आयोजन 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ खेल 2022 का शुभंकर क्या है? दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। तो कॉमनवेल्थ खेल 2022 का शुभंकर क्या है? पेरी द बुल। जी हाँ दोस्तों, पेरी द बुल कॉमनवेल्थ खेल 2022 का शुभंकर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, और मनप्रीत सिंह हैं, जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं। कॉमनवेल्थ खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ गेम 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? दोस्तों इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह हैं। और समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन थे? अचंता शरतकमल और निखत जरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, जो कि किस खेल से रिलेटेड है? भारोत्तोलन से। या दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने। और नोट के अंदर इंपॉर्टेंट बात है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहला पदक किसने जीता? संकेत महादेव सरगर ने। या दोस्तों, पहला पदक तो जीता था संकेत महादेव सरगर ने, और पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कब आयोजित हुए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1930, और कहाँ आयोजित हुए थे? हैमिल्टन, कनाडा में। या दोस्तों, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम 1930 में आयोजित हुए थे, और ये कहाँ आयोजित हुए थे? हैमिल्टन, कनाडा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों में कब भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1934। यस, भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों में 1934 में भाग लिया था, और ये कहाँ पे खेले गए थे? लंदन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24 मई,
जहां दोस्तों 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लंदन। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय लंदन शहर में स्थित है और ये कौन से देश में है? यूनाइटेड किंगडम ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ खेलों में 200 स्वर्ण पदक जीतने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत। यस, अपना भारत कॉमनवेल्थ खेलों में 200 स्वर्ण पदक जीतने वाला चौथा देश बना है और ऑस्ट्रेलिया 1003 स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2010। या दोस्तों, भारत में फर्स्ट टाइम 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन हुआ था और यह कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण। और यह कहां पर आयोजित हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में दोस्तों पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन हुआ था भारत में, 19वां संस्करण था और कब आयोजित हुआ था? 2010 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह है, जो कि किस खेल से रिलेटेड है? रनिंग। या दोस्तों, कॉमनवेल्थ खेलों में सर्वप्रथम मिल्खा सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 213। जी हाँ दोस्तों, 2022 कॉमनवेल्थ गेम में भारत के कितने खिलाड़ी इन्वॉल्व थे? 213। नेक्स्ट, जो इंडिया के टोटल 22 गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनकी लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस लिस्ट से आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है और दोस्तों एग्जाम से पहले आपको इनको एक बार ज़रूर याद करके जाना है और साथ में इनकी फ़ोटोज़ भी आपको देख करके जानी है। तो आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है इनका। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।